नमस्ते कर, नमस्ते भी तो करते हैं। नमस्ते कर। सर फिलहाल आप बता दो कि यार ये मैंने कहाँ से लिया और कितने का लिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो यार अभी बज रखे हैं शाम के 5:30 और आज के ब्लॉग में आपको मिलाने वाला अपने एक दोस्त से, अपने एक भाई से, मतलब जिसके यहाँ मैं दिल्ली गया था ना, तो इस भाई के यहाँ ही रुका था। बट ये तो वहाँ था नहीं, बिकॉज इसके फादर की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, तो ये तो अपने घर गया था ना। तो हम लोग तो मतलब अच्छे से अभी मिल रखे हैं, वरना जब मैं दिल्ली से वापस हल्द्वानी के लिए आ रहा था उस दिन लास्ट उसी दिन में मिला था इनसे। इनका नाम अली व्लॉग्स है, इनका भी यूट्यूब में चैनल है। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब होटल की साइड को, क्योंकि आज सुबह ही मैं अमृतपुर गया था। वहाँ मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया बिकॉज यार अमृतपुर का व्लॉग मैंने पहले भी डाल रखा है, तो रोज़ रोज़ मैं एक ही कंटेंट तो डाल नहीं सकता, कुछ नया नया कंटेंट दिखाना पड़ेगा। आपको कहा था ना मैंने। तो फिलहाल स्कूटी मेरी बाहर पर खड़ी है, स्कूटी को पापा को देनी है, और मेरी जो बाइक है वो होटल में गई है। तो पापा ने तो सुबह से हल्ला गुल्ला कर रखा कि यार तू बाइक का एक ले जाए यहाँ से, स्कूटी देखा जाए, क्योंकि स्कूटी का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, तो स्कूटी में यहाँ सामान वामान भी आ जाता है, और बाइक में तो आपको पता ही है सामान वामान का मतलब बहुत इशू रहता है, बाइक में सामान तो कहीं आ पाता है। तो फिलहाल अभी जल्दी से बाइक एक्सचेंज करते हैं, मतलब स्कूटी को वहाँ देते हैं, बाइक लेकर आते हैं, उसके बाद मोटो व्लॉग करेंगे या फिर देखते कहीं जाएंगे। मैंने आयुष को भी कॉल किया था बट आयुष शायद से आज बिजी है। आराम से जाना स्कूटी में, जल्दी से हाथ दे, देता है वो हाथ दे, बिगड़ गया, हाथ नहीं दे रहा, बहुत बिगड़ गया आजकल, कहना नहीं मान रहा बिल्कुल भी, बिगड़ गया, नहीं मान रहा ये, बिगड़ गया, देता ही हाथ। अच्छा, वो तो देख भी नहीं दे रहा, आगो देख भी नहीं रहा, हाथ दे गिर रही हूं। बताओ हमारा पाला हुआ कुत्ता ही हमारी ही बात नहीं मान रहा है, देख रहा ऐसा हो सकता है कि मतलब तुम किसी को पाल लो तुम्हारी बात ना माने। अभी सीधे चल रहे हैं धीरज के यहाँ, बिकॉज मेरे 2-3 दिन से हेलमेट धीरज के वहीं पड़े, और मैंने व्लॉग भी नहीं किया था 2-3 दिन से, तो हेलमेट मेरे उसी के यहाँ पड़े, तो जल्दी से हेलमेट लेते हैं अभी फिलहाल यहाँ से, तो मेरे हेलमेट के निकल रहे हैं। मेरी बियर्ड भी इतनी बड़ी हो रही है ना, मैं सोच रहा हूँ बियर्ड भी सेट करा लेता हूँ अपनी, बिकॉज इतनी ज्यादा यार मुझे सही लगती है, छोटी छोटी सही रहती है ना, मतलब पूरी नहीं कटाऊंगा बस छोटी करूंगा यार, क्योंकि बहुत ज्यादा ही बड़ी हो रखी है। अरे गंजू पटेल जरा हमारे हेलमेट दे दो, गंजू पटेल तू हेलमेट चाहिएगा। हाँ यार क्यों अभी ची, नहीं कल के लिए ठीक है, नहीं नहीं कल ले जा लेना, कल में जा रहा हूँ। कहाँ? केदारनाथ। केदारनाथ जा रहा कल? मज़े यार इन लोगों के, लोग केदारनाथ जा रहे हैं बता भी नहीं रहा था, एक तो मुझे इसने पहले, वो तो मुझे तो बाद में पता लगा ये केदारनाथ जा रहा है, अकेले जा रहा है बंदा, बताओ केदारनाथ है। कहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे लगाऊँ? सो फाइनली होटल पहुँच गए हैं, स्कूटी हमने लगा दी है यहाँ पे। तो सर अभी फिलहाल हम लोग होटल में आ चुके हैं ना, मैंने इतने दिनों के बाद आज मोमो खा रहा ना, ये देखो अली भाई को भी चखा रहे हैं यहाँ के मोमो कैसे होते हैं, चखो फिर बताना कैसे होते हैं, ठीक है? मैं पहली बार नहीं आया यहाँ पे, 5 महीने पहले भी आया था, मतलब मुझे उस टाइम पे भी टेस्ट काफी अच्छा लगा था। हाँ मतलब ये पहले भी आ रखा है, बट पता है मेरा मतलब मैं जिम कर रहा हूँ और मैं ये खा रहा हूँ, मोमो खा रहा हूँ। कैसे लगे मोमो, मजा आ गया? भाई मोमो बहुत अच्छे थे सच में यार, मैंने तो पहले ही बताया था भाई यहाँ के मोमो पहले से ही खा के जा चुका हूँ, भाई मुझे तो टेस्ट काफी अच्छा लगा यार। रात में अंधेरा कितना हो गया ना, महंगा कुछ दिख भी नहीं रहा, अभी ऐसे अंधेरे में घर जाना पड़ेगा। फिलहाल जो अली आ रखा ना यार, वो गया है अभी गेमर फ्लीट के घर पे उससे मिलने के लिए, तो मैं अभी बताऊंगा तो नहीं फिलहाल रहता है गेमर फ्लीट, बस इसके सीधे पे ही गली है, तो थोड़ा बहुत अंदर जाके मैं वहाँ पे छोड़ता आया हूँ, बिकॉज वो कह रहा था दूर से आ रखो मैं, तो यार गेमर फ्लीट ऐसे मिला दो। मैंने तो उसको बोल रखा है भाई ऐसे घर मत जाओ ये वो, क्योंकि उसने पहले ही मना कर रखा घर मनाने के लिए, बट फिर भी मैं उसको छोड़ाया, मैं तो यहाँ दूर आ गया क्योंकि यार मुझे तो मिलना नहीं है गेमर फ्लीट से, क्योंकि मैं तो यार खुद का कंटेंट बना रहा हूँ ना आजकल, ना किसी को ले रहा हूँ व्लॉग में मतलब बड़े क्रिएटर को, क्योंकि यार खाली लेते हैं फिर व्यूज़ आते हैं, फिर लोग कहते हैं कि यार इनके दम पे वायरल हो रहे, नहीं मिले उनके पापा बोले भाई नहीं है, नहीं है कह रहे नहीं है। होते सब है बेटा पर मिलते कोई नहीं है, मत मिला कर यार ऐसे, खुद का कंटेंट बनाओ खाली, क्यों मिलना हो रहा है इन लोगों से, खुद का कंटेंट बनाएंगे भाई। एक ऐसा होता ना इन लोगों से थोड़ा मिलके ना थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलती है बस। फिलहाल घर चलते हैं यार, बहुत ज्यादा लेट हो गई आज घर में जाने में, 8:30 बज चुके हैं। अभी मैं आ रखा हूँ ना एक बर्थडे पार्टी में, जो कि मुझे आयुष ने बुलाया, और भाई एक बात बता तूने भयंकर क्या कसम खा ली कि मतलब मुझे टामा काट काट के, मतलब भाई इसने मुझे क्या बोला कि तुम्हारे घर के बगल में ही बर्थडे पार्टी, आ जाओ मैं अकेला हूँ। मैं इससे बोला लोकेशन भेज, और लोकेशन दिखा रहा है इसके घर के यहाँ पे, और इसका घर मेरे से बहुत ज्यादा दूर है, इसने यहाँ से जाना, यहाँ से बहुत पास लगेगा तब। अबे अपने घर के यहाँ पे बुला दे तूने मुझे, भयंकर बोल रहे पास है पास है। सर फिलहाल अभी खाना ना खाते, भूख लगी रही थी, तो हमने सोचा चलो यार आज बर्थडे बर्थडे पार्टी में खाना खाते, ठीक है चलो चलो, और पार्टी में खाना अच्छा होना चाहिए बता रहा हूँ, पार्टी वरना तुझे ही खा दूंगा मैं बता रहा हूँ। फिलहाल हम लोग अपना खाना वाना सब यहाँ पे ले आए हैं, यहाँ रायता भी उबालने को हो रहा है की इतना खा दिया है आज बहुत ज्यादा भाई, और यहाँ देखो हमारा अली भाई का, और यहाँ देखो दाल है पनीर है चावल है भाई, हमें हफ्सी हम लोग खाते दबा के, तो दबा के खाओ पूरा। कल आएगा? कल आऊंगा 2 बजे साइकिल। आज क्या था फिर? आज तो कार्ड नहीं गया था काम से। सो हे गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, और यार अभी बज रखे हैं मॉर्निंग के 9:30,
पापा मुझसे ना बहुत लोग कह रहे थे कि यार हमने डॉलर को कितने में लिया और कहाँ से लिया ये वो, तो बता दो उनको, अभी तो बताया नहीं मैंने, बताया नहीं किसी को क्योंकि बहन ने खाली ले लिया। मैं ये चीज़ नहीं बता मतलब नोटिस नहीं करता ना ज़्यादा कितने का लिया कहाँ से लिया, तो फिर भी आप लोग पूछ लो क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे ना हमें भी चाहिए हमें भी बाय करना है, तो आपने कहाँ से बाय करा तो हमें बता दीजिए। बिकॉज जो ये वाले कुत्ते ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं ना, ये मतलब 25 से 40 के बीच में ही आते हैं। तो ये देखो अभी ये जस्ट 100 को उठा है, इसकी हालत देखो, इसको महंगे इसको परसों को नहला रखा है और देखो कैसा बन गया है, दूध पूरा मुंह में लग गया इसके। सर फिलहाल आप बता दो कि यार ये मैंने कहाँ से लिया और कितने का लिया, ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिलवाया था और मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है 22, मतलब अराउंड 22 का मुझे पड़ गया था, 22,000 का। मतलब मुझे और भी बहुत लोग कह रहे हैं ना कि आपने कितने का लिया कहाँ से लिया हमें भी चाहिए हमें भी दिलवा दो करके, तो अगर अवेलेबल होगा मैं आपको दिलवा दूंगा। बट मैंने ये जो डॉग है ये 22 का लिया है और ये कोई मिक्स ब्रीड नहीं है, ये ओरिजिनल शिज़ू की ब्रीड है। और जिससे मैंने लिया है वो भाई भी बोला था कि बाद में कुछ और बनेगा तो मुझे आके दिखा दें, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, बट ये ओरिजिनल ब्रीड है। इसके जो मदर एंड फादर मैंने देखे थे ना वो भी एकदम प्योर शिज़ू थे, तभी ये छोटा सा ये ऐसा बन रखा देखो शैतान सा। अभी आपने तो इसको देखा भी नहीं किया, कितनी ज्यादा शरारत करते ना शैतानी कितनी करता ना यार। नमस्ते करा, नमस्ते भी तो करते है, नमस्ते कर, नमस्ते करो, नमस्ते कर, नमस्ते करो, नमस्ते करता हूँ, ये कर दिया नमस्ते कर दिया। इतने छोटा सा पैरों के बीच में आ जाता पता भी नहीं लगता है। मुंह तो खोल, दांत दिखा दे, दांत जीभ बाहर निकली रहती है इसकी, ज्यादा जीभ। कौन सी ब्रीड की चाहिए वैसे? मैं तो भाई मुझे तो अभी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, अंकल जी बताएंगे। अंकल जी मैंने कल एक से बात करी, वो भी यूट्यूबर ही है, तो वो कह रही थी कि भयंकर उसको एक ने उल्लू बना दिया लेबरा बोल के, ऐसी कोई भी ब्रीड पकड़ा दी। इन पे कभी मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो अपने लोग जैसे अभी मैंने कल ही चैट की थी उससे, तो वो बता रही थी कि ऐसा हुआ था, मैंने उसको बोला आप कंटेंट के उससे डॉग को लो कंटेंट में, तो उसने कहा था कि ऐसा हुआ। तो जैसे अब दीपक भाई, अब मैं इनसे पूछूंगा ब्रीड के बारे में, तो ये मुझे सच सच बताएंगे, जो शॉपकीपर होता है ना वो अपने सेल करने के चक्कर में गलत गलत उठा के दे देता है, ऐसा हो जाता है। तभी तो मैंने किसी शॉपकीपर से नहीं लिया था, ऐसा नहीं सब मैंने अपने एक फ्रेंड से ही मतलब दोस्त से ही मंगवाया था, तो उसने दिलाया मुझे। अब दोस्त लोग ऐसे कभी झूठ तो बोलेंगे नहीं ना, तो शॉपकीपर से तो मैंने नहीं लिया वैसे। ऐसा होता ना जैसे सारे शॉपकीपर एक जैसे नहीं होते ना, कुछ कुछ शॉपकीपर होते हैं, कुछ कुछ अच्छे नहीं होते। तो फिलहाल अली भाई आज जा रहे हैं अपने घर को, चलो बाय, ओके बाय, मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है या फिर एक और नई ट्रिप पे देखते हैं। दिल्ली का तो मेरा इस महीने था भयंकर, फिर कैंसिल हो गया। इस महीने अगर होगा तो इस महीने आऊँगा, वरना अगले महीने तो बहुत मुश्किल ही है मेरा। हाँ अगले महीने नहीं, इस महीने होगा तो इसी महीने लास्ट में देखता हूँ, 2 दिन के लिए आऊँगा मैं, वरना दो दिन के लिए क्या आना, कम से कम आना 15 दिन के लिए देखता हूँ। फिलहाल आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने ये ब्लॉग जस्ट मतलब ऐसी पब्लिक डिमांड बनाया था, मतलब लोग पूछ भी रहे थे मुझे, इंस्टाग्राम में पूछ रहे थे आपने कितने का लिया, बहुत लोग पूछ रहे थे मतलब, तो मैंने ये वाला ब्लॉग बनाया, तो आपको पता लग गया होगा मैंने अपना डॉग 22,000 का लिया है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं भी दिलवा दूंगा, मैं अगर उस पर अवेलेबल होगा तो मैं दिलवा दूंगा। देखो उसको, देखो बाहर निकलने कैसा कहता, देखा ये खूब छलांग मारेगा बाहर निकलने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।